हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुधा सारा ट्यूटोरियल। आई एम रश्मि। आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम क्लास वन का जो इंग्लिश बुक है न्यू लर्न वेल का, उसका असाइनमेंट वन जो लेसन वन से लेकर लेसन फाइव तक लिंक है, लेसन वन से लेकर फाइव तक जितने भी चैप्टर है मतलब लेसन है उसका जो सबको मिलाकर जो क्वेश्चन आंसर है ये असाइनमेंट वन में है। तो चलते हैं डिस्कशन करने के लिए। और अगर चैनल में नया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए डिस्कशन करते हैं असाइनमेंट वन का बेस्ड ऑन लेसन वन टू फाइव। टाइम 90 मिनट्स का ये टेस्ट है, 50 मार्क्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सी वर्ड ऑफ द वर्ड बिलो। तो इसका क्या लिखना है? सी वर्ड लिखना है, ही वर्ड लिखा हुआ है उसका सी वर्ड लिखना है। तो बॉय, बॉय का सी वर्ड क्या होगा? गर्ल, अंकल का अंट, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर। तो ये है ही वर्ड लिखा हुआ है उसका बस सी वर्ड लिखना है, मतलब पुलिंग लिखा हुआ है उसका स्त्रीलिंग लिखना है, बस ये है नंबर वन का। उसके बाद सेकेंड बीट में क्या है? Rewrite each sentence using not. Not use करना है यहाँ पर इस sentence में, जो जो लिखा हुआ है उसमें बस not use करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर पहला वाला question है I am hungry। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैं भूखा हूँ, I am hungry, मैं भूखा हूँ। तो इसमें not लगाएंगे तो क्या होगा? मैं भूखा नहीं हूँ, I am not hungry। I am hungry verb के बाद not use होगा। not हमेशा verb जो है verb के बाद, हेल्पिंग वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज होगा। आई एम नॉट हंग्री। इट इज़ हॉट टूडे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। तो इट इज़ नॉट हॉट टूडे, इट इज़ नॉट हॉट टूडे। यू आर ए गुड प्लेयर। तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। यू आर नॉट ए गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। तो यू आर, यहाँ पर आर है हेल्पिंग वर्ब, आर के बाद नॉट यूज होगा। जहाँ भी नॉट यूज़ करने के लिए बोला गया होगा तो ये वहाँ पर क्या करोगे? वर्ब के बाद नॉट यूज होगा। आई एम नॉट हंग्री, इट इज़ नॉट हॉट टूडे, यू आर नॉट ए गुड प्लेयर। उसके बाद क्या है? थर्ड बीट में चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ईच ब्लैंक। यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड है उसी वर्ड को यूज करके यहाँ पर ब्लैंक फिल करना है। यहाँ पर वर्ड्स क्या है? लाइज है, हॉप है, ईयरली स्विम। ये चार वर्ड है, चार ऑप्शन से इसी चार ऑप्शन को लेके इसको ये जो ब्लैंक है उसमें फिल करना है। ए स्वान कैन डैश। स्वान क्या कर सकता है? लाइज, हॉप, ईयरली या स्विम। स्विम कर सकता है। तो यहाँ पर ए स्वान कैन स्विम लिखा होगा। ए रैबिट कैन, रैबिट क्या कर सकता है? रैबिट हॉप मतलब जंपिंग। ए रैबिट कैन हॉप। वी शुड गेट अप, हमें उठना चाहिए। जल्द या लेट, जल्दी उठना चाहिए। तो ईयरली लिखेंगे, वी शुड गेट अप ईयरली। गुड बॉयज़ डोंट टेल। जो अच्छे बच्चे हैं वो क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते। गुड बॉयज़ डोंट टेल लाइज। नंबर फोर में क्या है? राइट द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड लिखना है। थ्री लिखा गया है, फोर लिखा गया है। तो थ्री फोर, उसके बाद क्या है? फाइव। यहाँ पर फाइव लिखेंगे। मार्च अप्रैल लिखा गया है, दो महीने के नाम लिखा गया है। मार्च अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल है और अप्रैल के बाद क्या है? मई है। तो यहाँ पर मई लिखेंगे। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट के बाद सेकेंड है, सेकेंड के बाद क्या है? थर्ड है। तो यहाँ पर थर्ड लिखेंगे, टी एच आई आर डी थर्ड। ये गया फोर्थ पार्ट, अभी आया फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है? मैच ऑपोजिट वर्ड्स। यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड कुछ लिखा गया है उसी ऑपोजिट वर्ड को मैच करेंगे। डे, डे का नाइट, डे का मतलब दिन, नाइट का मतलब रात, दिन का रात। हॉट, हॉट मतलब गर्म, उसका ऑपोजिट क्या होगा? कोल्ड, ठंडा, हॉट कोल्ड। यर्ली, यर्ली मतलब क्या है? जल्द, उसका ऑपोजिट क्या होगा? लेट, यर्ली लेट। गुड का मतलब अच्छा, अच्छा का बुरा, बैड, गुड बैड। ये था ऑपोजिट वर्ड। यहाँ पर क्या लिखा गया है? सिक्स पार्ट में देखो, सिक्स पार्ट में इजी है। यहाँ पर क्या? नंबर लिखा गया है, नंबर लिखा गया है उसको बस न्यूमेरल फॉर्म में लिखा गया है, उसका नंबर नेम लिखना है। राइट द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है मतलब नंबर नेम लिखना है। यहाँ पर नंबर दिया गया है, न्यूमेरल फॉर्म दिया गया है, उसको
वार्ड में लिखेंगे, थ्री लिखा गया है थ्री लिखेंगे, फाइव फाइव, सेवन सेवन। ये सेवन पार्ट में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज एम आर, ये ब्लैंक में इज लिखेंगे या फिर एम ये या फिर आर, ये तीनों वर्ड को ही जहाँ पर जो लिखना है उसको लिखेंगे। आई, आई के बाद क्या होगा, आई के पास हमेशा आम लगता है तो आई एम लेट टुडे, आई के पास आम होगा आई एम लेट टुडे। राधा, राधा एक लड़की का नाम है तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, एक लड़की का नाम राधा है तो राधा इज माई सिस्टर, राधा के पास इज होगा, आर नहीं होगा। आर कहाँ पर होगा, यू के पास और प्लूरल फॉर्म के पास आर होगा। गर्ल्स, गर्ल्स मतलब लड़कियाँ, लड़कियाँ यहाँ पर दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है तो आर होगा, गर्ल्स आर इन द क्लास। यू, यू के पास तो आर होगा, मैंने पहले से बता चुकी हूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये था असाइनमेंट वन का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, जो कि लेसन वन से लेकर लेसन फाइव तक का क्वेश्चन आंसर जुड़ा हुआ है। तो अगर हैप्पी अर्ली एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये हैप्पी अर्ली एग्जाम में यहाँ तक का कोर्स एग्ज़ाम में आएगा, तो हैप्पी अर्ली एग्ज़ाम आगे आने वाला है, इसीलिए हमें अच्छे से प्रिपेयर होना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।